मुस्लिम महिला को मिला फ्लैट तो सोसाइटी करने लगी विरोध। मोदी के गुजरात में मुसलमानों से नफरत का उदाहरण देखिए। गुजरात में मुसलमानों के खिलाफ नफरत किस कदर बढ़ चुकी है, इसका ताजा उदाहरण एक बार फिर से देखने को मिला। गुजरात के वडोदरा में एक सोसाइटी में एक मुस्लिम महिला को फ्लैट मिला तो पूरी सोसाइटी उसका विरोध करने लगी। वडोदरा के हरनी की एक सोसाइटी में मुस्लिम महिला को मिले फ्लैट का विरोध किया जा रहा है। इंडियन एक्सप्रेस की खबर के मुताबिक सोसाइटी के 33 रिहायशी लोगों ने जिला कलेक्टर और अन्य अधिकारियों को बाकायदा लिखित शिकायत भेजी है और एक मुस्लिम के वहां रहने पर आपत्ति जताई है। खबरों के मुताबिक मुस्लिम महिला उद्यमिता और कौशल विकास मंत्रालय में काम करती है और VMC ने उन्हें मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत ये फ्लैट अलॉट किया था। अधिकारियों का कहना है कि वो महिला सोसाइटी में एकमात्र मुस्लिम है। वडोदरा के कमिश्नर दिलीप राणा इस मामले पर टिप्पणी के लिए उपलब्ध नहीं थे। उपनगर आयुक्त अर्पित सागर और सोसाइटी के अधिकारी कलेश कुमार परमार ने इस मुद्दे पर टिप्पणी करने से इनकार कर दिया। मुस्लिम महिला अपने एक बच्चे के साथ यहां शिफ्ट हुई थी। 44 साल की महिला का कहना है कि ये विरोध प्रदर्शन सबसे पहले 2020 में शुरू हुआ था, जब यहां के निवासियों ने मुख्यमंत्री कार्यालय को पत्र लिखकर उनके घर के आवंटन को अमान्य करने की मांग की थी। हालांकि हरनी पुलिस स्टेशन ने तब सभी संबंधित पक्षों के बयान दर्ज किए थे। मामले का निपटारा कर दिया गया था, लेकिन इसी मुद्दे पर 10 जून को फिर से लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया। मुस्लिम महिला के हवाले से इंडियन एक्सप्रेस ने छापा है। मैं वडोदरा के एक मिले जुले इलाके में पली बड़ी हूँ। मैं हमेशा चाहती थी कि मेरा बेटा एक बेहतर इलाके में बड़ा हो, लेकिन मेरे सपने टूट गए हैं क्योंकि लगभग 6 साल हो गए हैं और मेरे सामने जो विरोध है उसका कोई समाधान नहीं है। मेरा बेटा अब 12वीं में है और ये उम्र ये समझने के लिए काफी होती है कि ये सब क्या हो रहा है। ये भेदभाव उसे मानसिक तौर पर प्रभावित करेगा। इस सोसाइटी के लोगों ने अपने ज्ञापन में जो लिखा है वो भी आपको जरूर जानना चाहिए। मोटनाथ रेजिडेंसी कोऑपरेटिव हाउसिंग सर्विसेज सोसाइटी लिमिटेड के ज्ञापन में लिखा है, VMC ने मार्च 2019 में एक मुस्लिम महिला को मकान नंबर K204 आवंटित किया है। हमारा मानना है कि हरनी क्षेत्र एक हिंदू बहुल शांतिपूर्ण क्षेत्र है और लगभग 4 किलोमीटर के एरिया में मुसलमानों की कोई बस्ती नहीं है। VMC का यह आवंटन 461 परिवारों के शांतिपूर्ण जीवन में आग लगाने जैसा है। अब जरा अंदाजा लगाइए कि सोसाइटी में रहने वाले लोगों की मानसिकता कैसी हो गई होगी। एक मुस्लिम महिला को ना सिर्फ परेशान किया जा रहा है बल्कि पूरी कौम के खिलाफ अपनी नफरत को जाहिर भी किया जा रहा है। ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि भारत का संविधान हर नागरिक को समानता का अधिकार देता है। लेकिन क्या गुजरात की BJP सरकार इतना साहस जुटा पाएगी कि एक मुस्लिम महिला को उसका हक दिला सके? इस बारे में आपका क्या सोचना है कमेंट करके जरूर लिखें। आपसे अपील है वीडियो को शेयर करें और हमारे चैनल द न्यूज बीक को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो के अंत में आपसे एक छोटी सी अपील। साथियों, अगर आपको द न्यूज बीक का काम पसंद है और आप चाहते हैं कि हम यूं ही अंबेडकरवादी पत्रकारिता करते रहें, तो हमारी आर्थिक मदद जरूर करें। आप अपनी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे इस QR कोड को स्कैन करें और न्यूज बीक फाउंडेशन के खाते में अपनी दान की राशि भेजें। QR कोड के अलावा आप UPI के जरिए भी मदद कर सकते हैं। आप हमारी UPI ID newsbeak@yesbank पर भी मदद भेज सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे अकाउंट में भी मदद भेज सकते हैं। खाते का नाम है न्यूज बीक फाउंडेशन, अकाउंट नंबर है 02358700000640, IFSC कोड है SB000235, बैंक का नाम यस बैंक है और ब्रांच है नेहरू पैलेस दिल्ली। आप डोनेशन के एवज में इनकम टैक्स में भी छूट पा सकते हैं। डोनेशन की रसीद पाने के लिए ट्रांजैक्शन का स्क्रीनशॉट हमें भेजें। टाइप करें डोनेशन स्पेस आपका नाम और हमें 8595794224 पर व्हाट्सएप करें।